एक तरफ जहां गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश के विभिन्न हिस्सों में गौ माता की पूजा और अर्चना भी श्रद्धा के साथ की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह थाना अंतर्गत लुपुंगडीह गांव में हर साल की भांति इस बार भी गिरी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। गोप और गोपिनी ने सुबह उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, जिसमें पंडित अनादि पांडे ने विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और गुड़ से बने प्रसाद के साथ पूजा अर्चना की। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए दिवाली उत्सव का विशेष महत्व होता है। इस 5 दिवसीय उत्सव में धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उनकी आराधना से सभी दुख दूर होते हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में गोवर्धन पूजा की धूम है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें फूलों और रंगों से सजाया जाता है। भक्तजन भगवान को फल, फूल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करते हैं। अन्नकूट का भोग विशेष रूप से इस दिन तैयार किया जाता है, जिसमें 56 भोग का प्रसाद भी शामिल होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा का प्रचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्र ने ब्रज में प्रलयकारी बारिश की थी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गांव में महिलाएं गौ माता की पूजा करती हैं। उन्हें नहलाकर सजाया जाता है और फिर आरती की जाती है। आंगन को रंगोली से सजाने के साथ ही ग्रामीण महिलाएं गौ माता की आराधना करती हैं। जागेश्वर गोप द्वारा गाए गए भजनों में आहिरे गाने की परंपरा का भी अद्भुत समावेश है। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। Yeah.
जागेश्वर गोप की दोनों बहनें जुनी गवालिन और रमणी गवालिन ने बड़ी सुंदर आवाज से आहिरे गाना गाया। सावड़ी सुरंगी वाला कुटोये बोहिनी सुरंगी गुड़ी जा रे सुरंगी वाला जो खोजे पूरोये बाये तने फेके दुबोधान। ग्रामीणों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार में गौ माता की सेवा की थी, जिसे देखते हुए ग्वाले आज भी गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। पूजा करते हैं, छठ पूजा बोलते हैं ना, तो छठ पूजा हम लोग करते हैं। गिरी गोवर्धन पूजा, छठ पूजा हम लोग करते हैं। छठ पूजा को हम लोग स्पेशल भाव हम लोग मानते हैं। क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा? श्री कृष्ण भगवान का फतेह है, गिरी गोवर्धन का पूजा। आंगुले तुले पहाड़ ताई पूजा वार पूजा हमारा आज गोप समाज हमारा करी आंगुले टांगे छिलो एवं सही जगह तक गिरी गोवर्धन सबाई सब मंदिर सबाई छिल सबाई पूजा करी छिल सही जगहटा तक से गिरी गोवर्धन श्री श्री कृष्ण भगवान तादी के हमरा माने उना दे रही आज ए पूजाटा उना दे गौ माता पूजा कुछ छिल गौ मातार पूजा हमरा करी हमरा श्री कृष्ण भगवान हमरा पूजा कर हमरा हछि गोप समाज हमरा गोप जे ए बंदना करी सुनालेन बंदनाटा की सुनालेन आपने? हां गौ मातार वंदना सुनाली अपनारा के पूजा हलो हमारा छठ पूजा से छठ पूजा की नाम अपने इस प्रकार गोवर्धन पूजा और गौ माता की पूजा हर साल कई नए उमंग और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, जो भारतीय संस्कृति की धरोहर को और मजबूत बनाती है। आज श्री श्री सार्वजनिक गिरी गोवर्धन पूजा लोगों के पाथर के समस्त ग्रामवासियों आज हम लोग श्री गिरी गोवर्धन पूजा मनाते हैं, जो हम लोग के कुल देवता है और गाय माता को हम लोग पूजते हैं। आज के दिन मुकुट लगाते हैं और घर में रंगोलियाँ डालते हैं करते भी हैं और इस पूजा के उपलक्ष्य पर बहुत सारे प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, जो सांस्कृतिक कला कार्यक्रम है और बाहर में भी बहुत सारे मूर्तियां हम लोग बनाए हैं, जो श्री भगवान जी महादेव जी और भी कृष्णा वध का जो ये लीला था श्री कृष्ण भगवान ने किया था उसका भी मूर्ति हम लोग बनाए हैं और बहुत से भक्तगण आते हैं उनका भी भाग लेने।